राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। 1:29 और क्या क्या किया है या पहले कल के वीडियो में देख चुके हैं और अब 1:30 के बाद क्या करना है वो देखिए। दो ड्रम ये हैं और तीसरे ड्रम के ऊपर मैं बाबा सादगी बैठा हुआ है, इन्हें भरना है। आटे का थैला है, सुबह से भिगाया हुआ है सो इसे भी धोना है। और ये दो बर्तन हैं, चार बर्तन हैं, ये भी धोने हैं। खुद को आप सौभाग्यशाली समझिए क्योंकि आप अपने माता पिता, भाई बहन, धर्मपत्नी, बच्चों के साथ में हैं। यदि आप बाबा सादगी तरह के लिए रहें तो कैसा लगेगा एक बार करके देखिएगा। उम्र का बंधन नहीं है, आप 28 के हैं, 56 के हैं, 60 के हैं, 65 के हैं, एक बार करके देखिएगा तब आपको उनकी बहुत याद आएगी और आप उनकी अहमियत को समझेंगे। तो कृपया अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी धर्मपत्नी, इन्हें रिस्पेक्ट दीजिए और जीवन का आनंद उठाइए। खैर, बाबा सादगी तो यहाँ भी प्रसन्न है, एकदम आनंदित है बाबा सादगी। मेहनत कर रहा हूँ ना, कर्मठ हूँ, आनंद ही आनंद है। इसी बात पे बोलिए राधे राधे। 1:43 और आ गया है बाबा सादगी पनगट पे। फिलहाल एक ही जार लेके आया है, बताता है क्यों। इसे भर के वहाँ रखा जाएगा, चावल धोए जाएंगे। चावल धो के चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा के दो जार और लिए जाएंगे, फिर वो भर के ले जाएंगे। तब तक चावल थोड़ा सा नरम हो चुका होगा, फिर फ्लेम तेज कर दी जाएगी और भोजन का आनंद लिया जाएगा। उसके बाद यदि कुछ हुआ तो इसमें ऐड करेंगे, वरना कल सुबह देखते हैं। खेत तो खोद नहीं है कल, हाँ वीरवार है, मौसम सही रहा तो नहा धो के पूजा भी करनी है। पूजा तो खैर रोज़ ही होती है, लेकिन अधिकतर जो है पंच स्नान किया जाता है। स्नान करने का मौका हफ्ते में 3 ही बार, क्योंकि बहुत काम करने होते हैं, मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट। राधे राधे। शाम के 6:07 हो चुके हैं। कुछ देर पहले छोटी बहन का फोन आया था और उसने एडवाइज की कि यहाँ पे जो पानी है उसे आप उबाल के पीजिए। बाबा सादगी ने पूछा वजह, तो बताया गया कि जो यहाँ पे वाटर टैंक हैं उनकी सफाई नहीं होती है, गंदा पानी सप्लाई में आता है। तो छोटी बहन की एडवाइज है, मान ली है। पानी गर्म किया जा रहा है और आज से अभी से ही उबला हुआ पानी ही पिया जाएगा। जो वाटर टैंक है उनकी सफाई रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी है? तनख्वाह मिलती है तो अपने काम को ईमानदारी से क्यों नहीं करते हैं? क्या सोच रहे हैं, जीवन भर आनंदी रहेगा? अंत बहुत बुरा होगा, बहुत देखा बाबा सादगी ने, इसलिए बुरा कार्य करने से बचता है। राधे राधे। 10:21 साफ सफाई पूजा कर ली है। अभी गांव में आई है हंस फाउंडेशन की एम्बुलेंस, देखते हैं घुटने के गैप के लिए कोई दवाई मिलती है तो चलते हैं हंस फाउंडेशन के पास। गांव-गांव घूमते हैं, कई बार बड़ा कैंप लगाते हैं तो आसपास के गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। आधार कार्ड दिखाया, जो तकलीफ़ है उसकी दवाई लीजिए, आंखें कमज़ोर है तो चश्मा लीजिए, और जब आंखों का ऑपरेशन होता है या किसी अन्य चीज़ का ऑपरेशन होता है तो उस समय ये एक पॉइंट बनाते हैं और वहाँ से पेशेंट को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, उसका इलाज करते हैं और वापस उसको फिर उसी पॉइंट पे आके छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी सेवा है ये हंस फाउंडेशन द्वारा। द हंस फाउंडेशन, हंस द फाउंडेशन, मोबाइल मेडिकल सर्विसेज, एक संयुक्त पहल है उत्तराखंड सरकार की ओर के साथ से, बहुत अच्छी पहल है ये। तो दादी जी, आप लोगों को पता है कि गाड़ी हमारी हंस फाउंडेशन की चल रही है, ठीक है। इसमें क्या हम आपको सुविधा क्या देते हैं, जो लोग आ नहीं पाते हैं, दूर हॉस्पिटल नहीं है, हमारा काम ये है कि उनको जाके दवाइयाँ देना, उनकी जो भी दिक्कत है ठीक है उनको देखना है, सब रहते हैं, हमारी पूरी टीम रहती है। तो जो मेन ये दिक्कत रहती है, आजकल गाँव में क्या ज़्यादा चल रहा है, बीपी, शुगर की दिक्कत ज़्यादा है।
मैं भी खड़े हो रहा हूँ। दिक्कत रहती है बीपी शुगर की, तो बीपी कैसे पता चलेगा कि आपको बीपी बढ़ा हुआ है मेरा? क्या क्या आप बोल रहे हो ना, मेरा शुगर टेस्ट कर दो, ऐसे नहीं किया जाता है, सबका नहीं किया जाता है, लक्षण देखे जाते हैं क्या क्या लक्षण हो रहे हैं उनको, ठीक है? जैसे आपका शुगर बढ़ा होगा तो शुगर में क्या दिक्कत होती है, बार बार भूख लगती है, ठीक है, और जैसे बार बार वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, बार बार बाथरूम जाना होता है उनको, हाँ, फिर ये तो जैसे कोई भी चोट लग गई, घाव भरता नहीं है जल्दी से, ठीक है, ये सारे लक्षण होते हैं तभी शुगर टेस्ट कराया जाता है, ऐसे नहीं कोई भी मेरा शुगर टेस्ट कर लो, ठीक है, और हम बोलता हमको हो गया तो करा दो, हाँ, वो आप लोगों का होता है कि मेन हमें चेक करना चाहिए, रूटीन चेकअप होना चाहिए कि कभी बीपी शुगर आपको बढ़ गया हो गया, तो जब ये सब लक्षण आप डॉक्टर सर को दिखेंगे, आप बताओगे मुझे दिक्कत हो रही है, तभी तो वो आपका टेस्ट लिखेंगे ना, हाँ, तो उनको ज्यादा पता होगा। अब आपका बीपी आता है, हमसे ब्लड प्रेशर जो आप बोलते हैं बीपी हाई है, तो बीपी में क्या होता है, आपके चक्कर आएगा एकदम से, ठीक है, तो उसमें क्या परहेज करना होता है आपको, नमक मिर्च, पहले हम दवाई तो देते ही देते हैं पर आपका एक घरेलू इलाज भी करना होता है ना दवाइयों से ज्यादा, तो ये होता है कि नमक मिर्च कम खाओ, तेल मसाला वाला खाना कम करना चाहिए, ठीक है, और दवाइयाँ टाइम से लेनी चाहिए, गलत टाइम पे कभी दवाई नहीं लेनी है, बीपी की दवा लेनी है सुबह को नाश्ते के बाद, ठीक है, गलत टाइम पे कोई भी दवा नहीं खाना है, उसका भी गलत वो प्रभाव पड़ता है ना, हाँ, फिर ये सारी दिक्कत है। और ये गाड़ी आएगी आपके गाँव में, लुब्रिकेंट बनाने के लिए कैप्सूल दे दिया है और पेन से रिलीफ के लिए ये ऑइंटमेंट दे दिया है। अभी नाश्ता करके जाना है विशेष कार्य के लिए, बताएंगे आपको, बने रहिए राधे राधे। 11:37 गांव को छोड़कर बाहर निकल चुका हूँ, जाऊँगा उद्यान विभाग में, यदि खुला हुआ हो मिला तो बीज लेके आऊँगा और बम्बू लेके आऊँगा। ज़रूरत ने फिर से बना दिया है महाबली, ये तलवार है घास काटने वाली, क्योंकि इन दिनों हमारे गांव में रात को बाघ का आतंक है, 2 कुत्तों को लेके चला गया है, तो ऑन सेफ्टी फर्स्ट। यहां से है शॉर्टकट यानी कि ढलान, और आते समय होगी चढ़ाई, कंधे पे होगा वजन, और बाबा साहब की कथा है राधे राधे, सारी ताकत मिल जाती है। अब भी कहिए राधे राधे। पहुंच गया हूँ विद उद्यान एवं खाद प्रसंस्करण विभाग और मिल गए हैं केसी साहब। अब जो कुछ होगा आज्ञा के साथ होगा, बीज खरीदे जाएंगे, तो केसी साहब से ले जा रहे हैं भिंडी और मूली के, क्योंकि गोल मूली तो है नहीं, तो ये लंबी मूली के बीज हैं यहाँ पर, तो ये लंबे बैगन का बीज है, और गुरु ये भिंडी का है, और ये है लंबी मूली का बीज। देखें दिमाग लगाएंगे कहाँ पे कैसे इसको उपजाया जाए, क्योंकि अपना खेत वो भी जैविक खेती। मित्रों 12:00 और ज़रूरत ने एक बार फिर से बना दिया है बाहुबली। ये है शॉर्टकट रास्ता, अमूमन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि हर शॉर्टकट रास्ता अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो आगे जो लंबा रास्ता है वो है पूरा ढलान वाला, तो उसमें जो है घुटनों में ज़्यादा वज़न पड़ जाता है और बाद में बहुत दर्द होता है, इसलिए इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है समतल ज़्यादा है। तो पहुँचते हैं घर पे, मिलते हैं आपसे बाद में, राधे राधे। वहाँ है हमारा गांव और ये है सुनसान रास्ता, यहाँ इसलिए रुका हूँ, सामने है हिमालय की श्रृंखलाएं, चांदी जैसी चमक रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे गांव में ठंड का माहौल क्या होगा। पहला ब्रेक है, स्वेटर को उतार दिया है फिर भी पसीना आ रहा है, दूसरा ब्रेक होगा घर जाकर। 12:15 exact 12:15, तो इतना समय बच गया है, पहुंच गए अपने गृह में। राधे राधे, धन्यवाद,
जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।